नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में बालू घाटों का टेंडर दोबारा से शुरू होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार पटना सहित 8 जिलों के 108 बालू घाटों का 31 जनवरी से 2 फरवरी तक दोबारा टेंडर होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ टेक्निकल कारणों से बिहार राज्य खनिज निगम ने पिछला टेंडर कुछ समय पहले ही रद्द कर दिया था, जिसमें पटना, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, लखीसराय, जमुई, गया और सारण जिले के बालू घाटों का नाम शामिल था। हालांकि अब एक बार फिर से दोबारा टेंडर जारी करने की बात कही जा रही है, जिसका मकसद पर्याप्त मात्रा में बालू का खनन कर निर्माण कार्य के लिए बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। खनन निगम की माने तो बुधवार को सभी 108 बालू घाटों को टेंडर जारी कर दिया गया है। निगम ने इसको भरने की अंतिम तारीख 27 जनवरी तय की है। वहीं 8 जिलों का टेंडर 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में खोला जा सकता है। पहले करीब 200 बालू घाटों का टेंडर हो चुका है, उन सभी जगहों से खनन भी शुरू हो चुका है। इसके बाद से बालू की कीमत बाजार में सामान्य होने लगी है। इसको लेकर अनुमंडल प्रशासन ने अवैध बालू खनन और ओवरलोडिंग की मिल रही शिकायतों के बीच कार्रवाई करते हुए कई ओवरलोड वाहनों को पकड़कर खनन विभाग को सौंप दिया है। वहीं ठेकेदारों को भी सख्त दिशा निर्देश दिया गया है। पालीगंज एसएसपी अवधेश दीक्षित और एसडीओ मुकेश कुमार की माने तो मंगलवार को टीम बनाकर अनुमंडल के लगभग सभी घाटों का निरीक्षण किया गया है। इसी क्रम में 19 ओवरलोडिंग वाहनों को जब्त किया गया है। एसएसपी की माने तो महाबलीपुर और जलपुरा बालू घाट के ठेकेदारों को विशेष रूप से चेतावनी दी गई है कि एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं किया गया तो घाट बंद कराने की अनुशंसा की जाएगी। साथ ही साथ पालीगंज, विक्रम और रानी तालाब के बालू घाट पर संबंधित ठेकेदारों को भी सख्त दिशा निर्देश दे दिया गया है। वहीं ओवरलोडिंग में रानी तालाब में 8, विक्रम में 7 और दुल्हन बाजार में 8 गाड़ी को संयुक्त टीम द्वारा जब्त किया गया, जिसे खनन विभाग और परिवहन विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। हालांकि निगम की तरफ से इन सभी 108 बालू घाटों का टेंडर आज जारी कर दिया गया है, जिसको भरने की अंतिम तारीख 27 जनवरी है। साथ ही अलग अलग कार्यक्रम के अनुसार 8 जिलों का टेंडर 2 फरवरी के बीच तक खोला जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।